नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। आइए रुक करते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का। राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाना के अंतर्गत एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। लड़की के पिता ने आरोप लगाया, ससुराल वाले पिछले 3 सालों से लगातार लड़की को टॉर्चर करते हुए दहेज की मांग कर रहे थे, जबकि इस शादी में 14 लाख रुपए हमने खर्च किए और अपनी जमीन जायदाद गिरवी रखकर इनकी मांगों को पूरा किया, पर लड़की के ससुराल वालों का मन नहीं भरा, लड़की से और पैसे की डिमांड करने लगे। 23 फरवरी की दोपहर को जब अपनी बेटी से मिलने गया तो ससुराल वालों ने उससे मिलने नहीं दिया और 2 घंटे बाद लड़की के ससुराल से फ़ोन आया कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पुलिस आकर शव को अपने कब्जे में लेकर संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस से गुहार लगाई और कहा यह हत्या का मामला है, ससुराल वालों ने ही मेरी पुत्री की हत्या की है। लड़की के ससुराल के सभी 5 आरोपियों को FIR दर्ज कर जेल भेजा जाए। शादी को 3 साल हो गए और 3 सालों से लगातार उसके ससुराल वाले मेरी बेटी को टॉर्चर कर रहे थे। दहेज को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। हत्या है सुसाइड। जगह न्यूज 24 दिल्ली से अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। तो कि कुंडी खटखटाए तो ससुर निकला, बोला हाँ जी क्या है, तो बोले मैं बेटिया के लिए कुछ सामान लेकर आया हूँ, थैला ले लिए, गेट बंद कर लिए, नहीं मिलने दिया मेरी बेटी को। क्या बोले? वो कुछ नहीं बोले, बस गेट बंद कर लिए। ये जो है ना, इनको बेइज्जती सी महसूस, मेरा घर से कोई भी जाते ना तो ना उनके नाश्ता ना पानी कुछ नहीं होते, ऐसे मुँह बनाए रहते, कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं होता उस घर में। तो मैं कही आप जो, आप तो पिता हो ना, आप जाओ, आप बेटी ये चले आए। तो मैं पूछी क्या हुआ, तो बोले ऐसे ऐसे करे मेरे साथ। तो उसके बाद जो है ना, मैं अपनी बेटी को फोन करी, मैं बोली तो अपनी ससुर से बात करा, ससुर से बात करवाई मैं उसको, कही ससुर उसकी ससुर से, समझी जी 25 तारीख के तो बेटी कल से बात पति के, तो क्या कल ही तो बात है सर। तो फिर वापस आए तो क्या फोन आया वहाँ से ससुराल से? 1 घंटे के बाद फोन आया सर, ये आए खाना देख रहे, कपड़ा अभी तक पहन रखे, खान को कह रहे हम जो आप क्या चाहते हो मेरे से, कह रहे आप क्या चाहते हो मेरा दामाद, में क्या हुआ। तो सोनी जो है ना अपनी मनमर्जी चलाती है, हमेशा दबाव हम लोग पर बनाई रहती है। तो आपकी बेटी 1 घंटे से घर बंद करके बैठी है आ घर नहीं खोल रही है। तो मैं कही जो, फिर 1-2 बात भी मेरे दिमाग से हुआ, मैं कहा देखो प्रकाश, हाँ सो वो हमेशा मई के जाने के लिए जीत ठानती है, तो मैं कही शादी हो गया तो अपने घर संसार संभालेगी, अपने परिवार संभालेगी, कल ही हुई है फोन पे बात सर, समझे। तो वो मैं उसका ही एक बात बताओ, शादी हो जाता क्या मैं के छोड़ देते, 3 साल में मेरी बेटी को 6 दिन रहने दिया, आप 1 दिन रुके हो मेरे घर, तो क्या मैं के छोड़ देते लोग, थोड़ा सा मैं कहती हूँ उसको घुमाओ फिराओ कहीं कहीं ले जाओ, कोई भी इंसान घर में रह के बोर होता है। तो क्या वो उसके बाद जो है ना, हाँ फिर मैं कही बात जब ये हो गया ना, तो फिर ये कॉल करे जो मम्मी वो घर नहीं खोल रही है, मैं हाँ तो मैं कही वीडियो कॉलिंग करके दो, मतलब आवाज़ वो करके जो मैं आवाज़ पे बोल रही हूँ गेट खोल देगी, मैं उसमें खूब अपना बोली बेटा घर खोल दे, बेटा घर खोल दे, मुझे क्या पता जो है भी घर में कि नहीं है कि क्या है, मतलब आवाज़ वो तेज करके मोबाइल रखे थे मैं बोली रखने के लिए, कहीं मेरे को कुछ आवाज़ नहीं आया। फिर मैं बोली प्रकाश ऐसा करो ना, खिड़की तोड़ के देखो कहीं वो कुछ कर तो नहीं रही है, तो कह रहा है जो खिड़की नहीं टूट रहा है। और उसके बाद फिर कॉल आया, हाँ फिर कॉल फिर आया था ना, फिर कॉल आया। भाई नाम बता दीजिए अपना। गंगा सिंह। गंगा जी, क्या वारदात हुई लड़की के साथ और कैसे पता चला कि उन्होंने उनकी हत्या की? सर हम लोग इसकी मम्मी मछली लाई थी गाँव से, मछलियाँ बोला बेटी के दे आओ, मैं देने गया तो मेरे को घर में घुसने नहीं दिया, उसके बाद मैं वहाँ इंतजार करते रह गया, मैं चला गया घर, घर जैसे मैं खाना खा दूँ वहाँ से कह रहा बेटी तुम्हारी मर गई, फांसी लगा दिया उनको से। अच्छा फांसी का कुछ गले पे कोई निशान या? यहाँ निशान है पूरा, यहाँ निशान है ताला, खाली यहाँ पर निशान है। 3 साल हुए, 14 लाख रुपये खर्चा किया उस आदमी पे, हमारे घर भी गिर गई अभी तक, एक लड़का है 2 साल, अपेंडेज भी थी। क्या मामला हो सकता है? क्या दहेज का मामला है सर?
कार मांग रहा था मेरे से। पुलिस ने कंप्लेंट कर दी? नहीं अभी अभी नहीं किए सर। क्या मांगे आप हमारे से? तो मेरे को तो फोन किया था, मेरे तुम्हारा बेटी मर गई, ये बोल रहे हैं। तुम्हारी क्या मांग है बोलो? मेरी क्या मांग है आप? हमारा मांग ये है कि पांचों का अरेस्ट किया जाए और सजा होना चाहिए उनको, इंसाफ मिलना चाहिए। मैं बच्चे पांचों उसकी तीन, एक इसकी मम्मी है, दो लड़की है, एक बाप है, इसका बेटा है।